एक पति अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरे सपने में रात को एक बहुत अच्छी लड़की आई थी, क्या लग रही थी। तो पति बोलता है, पत्नी बोलती है अकेली आई होगी। तो पति बोलता है तुम्हें कैसे पता। पत्नी बोलती है उसका पति मेरे सपनों में आया था। और दूसरा एक और सर थोड़ी देर उधर सोच लो ना, सोच सर। एक बार एक आदमी के यहाँ भैंस होती है, वो चोर से चोरी करके ले जाता है भैंस को। तो नौकर देख लेता है, नौकर अपने साहब से कहता है सर साहब साहब रात के पौने नौ बज रहे थे, चांदनी रात थी, सितारों के साथ थी, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया दीवार तोड़ के भैंस ले गया। तो ठीक है कहता है, अब ऐसी ही तुम जैसे मुझसे बोला है ना वैसी दरोगा साहब से बोल गया ना। वो दरोगा साहब के पास जाता है तो मालिक बोलता है रात के नौने पौने बज रहे थे, चांदनी रात थी और मेरे साथ थी, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, भैंस आई दीवार तोड़ के चोर को ले गई। हमारी भारती कहाँ थी? संजय उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो ज्यादा कहाँ वहाँ कहाँ मिल गया। एक और मेरे पैक की एक नशी कर रही है मेरे पास। एक मिला है पैसा दे दो तो सर्टिफिकेट दे दो। ना है हाँ एक और सर एक और चल कर सामान लेकर मैं साथ। अरे वो तुम अपने पैसे ले आए क्यों? एक साधु होता है, तो साधु ने ट्रेन में जा रहा था, टीटी बोलता है कहाँ जाना है। साधु बोलता है जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। तो टीटी बोलता है टिकट का है। साधु बोलता है वो तो नहीं है। तो टीटी बोलता है चलो तो फिर। टीटी बोलता है चलो तो फिर। साधु बोलता है कहाँ। साधु बोलता है कहाँ। तो टीटी बोलता है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, यानी कि जेल में।